नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है। दोस्तों, दरअसल भारत अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ नए रास्ते खोल रहा है, जिससे भारत में एनर्जी के लेकर के कुछ आपूर्ति हो सके कुछ और देशों के साथ। दोस्तों, दरअसल खबर क्या, आइए पूरा विस्तार से समझते हैं कि क्या एनर्जी है, कहाँ से आएगी, भारत को उससे क्या फ़ायदा होगा और उन किस किस देशों से हमारी और ज़्यादा मित्रता बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, भारत में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसकी कभी, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पूर्ति हो नहीं पा रही है सही तरीके से जैसी होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो अपनी 7 states आती हैं, वहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अभी म्यांमार और बांग्लादेश से बातचीत स्टार्ट करी है। दरअसल ये बातचीत अभी से स्टार्ट नहीं करी है, म्यांमार के साथ तो ये बातचीत 2005 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो बातचीत आगे जा चली नहीं और वो बातचीत वहीं रह गई और वो जो प्रोजेक्ट हमको मिल सकता था वो चाइना को मिल गया था। दरअसल दोस्तों, क्या है कि भारत सरकार ने ये सोचा कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ एक LNG गैस पाइपलाइन बिछाते हैं, जिससे वहाँ से जो भी उनके पास LNG गैस के भंडार हैं वहाँ से हम कुछ एनर्जी को ले सकें, LNG गैस को वहाँ से परचेज कर सकें और अपने 7 sisters जो ये हैं, 7 states नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे उसकी सप्लाई कर सकें और वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को उसके साथ कनेक्ट कर दें, जिससे कि वहाँ पर जो भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। दरअसल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि म्यांमार के पास LNG गैस के भंडार कहाँ से आ गए और बांग्लादेश के पास कहाँ पे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार के पास LNG गैस के भंडार हैं, सिर्फ LNG ही गैस नहीं और भी दूसरी गैसों के भंडार हैं। अभी वहाँ पर कुछ नई डिस्कवरी भी हुई है। म्यांमार अपनी LNG गैस को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि चाइना को एक्सपोर्ट करता है, चाइना तो छोड़िए बल्कि वो अपने एक पड़ोसी राज्य देश थाईलैंड को भी एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से वो अपनी, मतलब, इकोनॉमी को बढ़ाता भी है और उसके पास 22.5 क्यूबिक मिलियन LNG गैस के रिज़र्व हैं, मतलब ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा होता है ये। ऐसे ही अगर बांग्लादेश के पास बात करें तो उसके पास भी LNG गैस के अच्छे खासे भंडार हैं। तो दोस्तों, भारत ने अपनी फिर से एक बार बातचीत को स्टार्ट कर दिया है म्यांमार के साथ, ताकि वो अपने पाइपलाइन भारत के साथ एक डाल सकें और भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो दोस्तों, ये तो भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा मूव लिया गया है। अब दोस्तों समझते हैं कि इससे भारत ने आखिर LNG गैस पे फोकस करना कैसे स्टार्ट कर दिया। दरअसल दोस्तों, आप पिछले कुछ समय से आप अगर देख रहे होंगे तो भारत ने LNG गैस के लिए कई देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दरअसल भारत नहीं चाहता है कि किसी एक देश पर डिपेंडेंट रहा जाए, तो इसीलिए उसने बातचीत स्टार्ट करी। आपको पता होगा, रिसेंटली भारत ने नीदरलैंड की एक कंपनी है वेक्टस, उसके साथ बातचीत शुरुआत करी और वो काफ़ी एडवांस लेवल पे बातचीत पहुंच गई है और भारत को उससे सप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले कतर से बात करी, कतर देश है, और UAE से बात करी। तो इस तरह से भारत ने कई देशों से एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बात करी है और उसको बहुत ही जल्दी एनर्जी की अब सप्लाई होने लगेगी। इससे दोस्तों, म्यांमार से अगर हमें इस एनर्जी की सप्लाई होती है तो इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा म्यांमार पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश में चीन का भी दखल रहता है, तो उससे क्या होगा कि कुछ झुकाव म्यांमार का हमारी तरफ भी बढ़ेगा। हालाँकि कोई हमारे उनके साथ कोई बुरे रिश्ते नहीं है, लेकिन जब बिज़नेस होगा तो रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारी कॉस्ट भी बहुत ही कम आएगी। अभी क्या है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें मंगाना पड़ता है। उस केस में क्या होगा, जब हमारा पाइपलाइन म्यांमार के साथ बिछ जाएगी तो हमको वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो हमारी जो LNG गैस होगी वो सस्ती होगी, जिससे हम अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को भी अवेलेबल करा पाएंगे दोस्तों। और दूसरी चीज़, जब हमारी गैस पे पूरी अपनी फ्यूल आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी गैस की तरफ, तो बनी बात है इससे हमारा कार्बन भी काफ़ी कम बनेगा, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी हमें हेल्पफुल हो जाएगा काफ़ी, उसे कम करने में। दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए, आज जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें अगर देखें तो गैस का कंपोनेंट उसमें 6.2% है
भारत सरकार ये चाहती है कि ये जो 6.2% है ये एटलीस्ट 15% हो जाए, 15% हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट में गैस से आए। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है, ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, कॉस्ट सेविंग भी होगा, ईजिली अवेलेबल होगा, नेबर के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पे और भी जो अगर कुछ डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।